राजस्थान में बूंदी जिले के देई में श्याम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें राधा स्वरूप जय किशोरी भागवत कथा का वाचन करेगी। इसके साथ ही नानी बाई को मायरो भजन संध्या कलश यात्रा सहित अनेक आयोजन होंगे। कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कलश यात्रा कृषि उपज मंडी देई से शुरू होकर बस स्टैंड, मैन मार्केट, गढ़चौक, चारभुजा चौक, लोड़ी चौहटी, घास का दरवाजा, बूंदी रोड, विवेकानंद सर्किल होती हुई बांसी रोड स्थित श्याम मंदिर पहुंची। कलश यात्रा में 2100 कलश लिए महिलाएं एक ही वेशभूषा में सिर पर कलश लेकर जुलूस में चल रही थी। साथ ही घोड़ियां, हाथी, सिमारी राजस्थान बैंड, भटिंडा मस्क बैंड, डीजे, राजस्थानी कच्ची घोड़ी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। यात्रा में बाबा बनखड़ी दास महाराज व हिमाचल से संत राम मोहन दास रामायणी यात्रा में शामिल रहे। धार्मिक भजनों पर युवक युवतियां, महिलाएं झूम कर नृत्य करते हुए चल रही थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचिका जया किशोरी श्रीमद भागवत कथा का वाचन शुरू हुआ। गौरतलब है कि देई में हड़ौती सबसे बड़े श्याम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें बाबा खाटू श्याम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जनता टाइम्स न्यूज़ के लिए बूंदी से हनुमान गौड़ की रिपोर्ट।